नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की खास खबर की। ताजनगरी आगरा में पुलिस की न्याय व्यवस्था को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक निर्दोष को जेल भेजने का मामला पुलिस में इस समय गरमाया हुआ है और पुलिस पर आरोप है कि उसको निर्दोष जेल भेज दिया है। जी हां दोस्तों, ताजनगरी आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र के गांव भांडई में आज सोमवार को एक पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें कई दर्जन गांव के लोगों के साथ सैकड़ों लोगों ने भाग लिया जिसमें सभी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सभी लोगों का बस एक ही कहना था कि जिस प्रकार 20 वर्षीय राहुल निवासी भांडई को यहां से पुलिस ने घर से उठाकर और चोरी और डकैती की धाराओं में जेल भेजा है वह सरासर अन्याय किया है। यहां ग्रामीणों में आक्रोश प्रकट करते हुए कहा है, उन्होंने पुलिस की न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाते हुए कहा है कि थाना इरादत नगर पुलिस ने देखिए किस प्रकार एक निर्दोष बालक को दोषी बनाकर जेल भेज दिया है जिसको लेकर आज एक पंचायत का आयोजन गांव भांडे में किया गया है जिसमें निर्णय लिया गया है कि वह क्षेत्रीय विधायक श्रीमती बेबी रानी मौर्य को यहाँ की समस्या से अवगत कराएंगे और जिस प्रकार राहुल नामक एक 20 वर्षीय युवक को जेल भेजा गया है उसकी शिकायत करेंगे कि पुलिस किस प्रकार निर्दोष लोगों को दोषी बनाकर जेल भेज रही है जिसमें बड़ी संख्या में आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार ग्रामीणों में आक्रोश है और बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण पंचायत में पहुंचे हैं और सभी ने देखिए किस प्रकार एक सुर में कहा है कि जिस प्रकार राहुल को घर से उठाकर पुलिस ने दोषी बनाया है वह पुलिस की न्याय व्यवस्था पर लेकर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर ग्रामीण विधानसभा की विधायक कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के यहाँ वो न्याय की गुहार लगाएंगे और राहुल चाहर को निर्दोष साबित करने के लिए मांग करेंगे। तो आइए जानते हैं उनके पिता, उनके परिवार और पंचायत में मौजूद लोगों से क्या कुछ कहना है इस पंचायत को लेकर किस प्रकार उन्होंने राहुल चाहर को जेल भेजने पर पुलिस की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बता दो और बच्चे की क्या लक्ष्य। मैं करतार चाहर राहुल चाहर का चाचा हूँ, बुंगरा भतीजा है। क्या घटना घटना ये घटी है, रात 17/9/2024 में रात्रि 1 से 1:30 बजे के बीच में 15-20 पुलिस वाले आए सिविल ड्रेस में और बच्चे को जबरदस्ती घर से उठा के ले गए। उसको मारा है, पीटा है, प्लासों से नाखून खींचे हैं, प्लासों से खाल खींची है और जबरदस्ती उसको कबूलनामा करवाया है और रात्रि में पुलिस थाने से चौकी से निकाल करके रोड पे उसके हाथों में हथियार रखे और उससे बोला गया है तू नहीं भागा तो हम तुझको शूट कर देंगे। उसको सामान भी रखा है, हथियार भी रखे हैं, तब उसकी वीडियो बनाई है और गलत और झूठी वीडियो बना के बच्चे को दोषी साबित करके जेल भेज दिया है। आज हमने भाड़ी गांव में आसपास के लोगों के साथ में सभा की है, उस सभा में करीब 300-400 आदमी मौजूद है और हम कल अपने आदरणीय क्षेत्रीय विधायक बहन बेबी रानी मौर्य जी के यहाँ हम आग्रह करने के लिए जाएंगे कि हमारा बच्चा निर्दोष है तो उसको जल्द से जल्द छुड़वाया जाए। नाम बताओ आप। कुमेर सिंह। अच्छा, बेटे का नाम क्या है? राहुल सिंह चार। क्या घटना घटी थी? हमें तो घटना की मालूम नहीं, इतना मालूम है कि सुबह कोई 1:30 बजे के करीब रात को ग्रिल पार करके पुलिस घर के अंदर ग्रिल को पार करके फाटक को खोला है, फाटक को खोल करके अंदर गई है, अंदर वाली किवाड़ों को खटखटाते हुए वो हमारी मैडम ने उन किवाड़ों को खोला है, एक साथ ये सारे पुलिस वाले उसमें घुसे हमसे भी धक्का मुक्की की है और किवाड़ों को तोड़ने की कोशिश की और अभी निकालो बच्चे को नहीं तो तोड़ दो किवाड़ों को। हाँ अच्छा, क्या क्या कहा था उस समय इन लोगों ने, कहाँ ले गए थे बच्चे? ये बोल रहे थे कि पूछताछ करनी है हमें, इससे सिर्फ पूछताछ करनी है। अच्छा। हाँ, एक मिनट नहीं लगाई, अपनी काख में लगाकर बच्चे को ले गए। हम साथ ही अपने कपड़े पहन करके मैं सो रहा था ना, तो कपड़े उतार के सोता हूँ, कपड़े पहनकर मैं चौकी पे गया, वहाँ पर रवि भैया से मैंने फोन भी किया, हम 3 जने थे चौकी पर गए थे, पुलिस वालों से बात की तो पुलिस वाले बोले कि क्राइम ब्रांच की पुलिस है, ये क्राइम ब्रांच की पुलिस है, वो इसका कोई अता पता नहीं है कहाँ गए और कहाँ ले गए। ये कम से कम 11 घंटे बाद पता चला कि वो कुर्रा की चौकी में है। मुलाकात मेरी तो इरादत नगर थाने तक नहीं हो पाई है और थाने में उसकी शकन नहीं देखी, सिर्फ दीवानी पे वो पकड़ा हुआ था, उसके हाथ बंधा हुआ था, दीवानी पे जरूर मैं उससे मिला हूँ। ये चोरी डकैती
मारपीट तो पुलिस वालों ने की है, उन्होंने उसकी जीव में प्लास डाल के जीव को खींचा गया है, पेट पर निशान है उसके, प्लास से पेट की खाल को देड़ा है, नाखूनों को खींचा है। चोला चोला भी टोके हुए उसमें, मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया पुलिस ने बिना पते बताए हुए। मैं निवेदन करता हूँ मेरे बच्चे को न्याय मिले। कल कहाँ जाएंगे? बेबी रानी मोटर से मिलने के लिए हम उतावले हैं। मैं डॉक्टर महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एस पार्टी और उत्तर प्रदेश। बाड़ी में आज सभा हुई है, क्या यहाँ पर निष्कर्ष जी? आज हमारे, मैं भी जाट समाज से बिलोंग करता हूँ, आज हमारे समाज का एक बच्चा है और एक नया युवा शिक्षित और ऐसे परिवार का बच्चा है कि उस घर में, उस परिवार में कोई व्यक्ति आज तक कोई दाग नहीं लगा पाया। उस परिवार के ऊपर राहुल चार नाम का एक बच्चा है, उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है और 20 वर्ष की उम्र में उस बच्चे को निर्दोष इतना बना दिया। ये तो साक्ष्य, उसके साक्ष्य जो है सभी लोग इकट्ठे कर रहे हैं, पूरा गांव है। आज यहां पर एक पंचायत भी हुई है, पंचायत में काफी गांव के क्षेत्र के प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। मैं भी यहां पर आया हूं तो सभी लोगों ने कहा कि हम अपने साक्ष्यों को जो है पेश करेंगे। माने कल जो है क्षेत्रीय विधायक परम आदरणीय बहन देवी रानी मर्दा जी से, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं इस उत्तर प्रदेश सरकार में, हमें निश्चित, हमें पूरा भरोसा है कि शायद वो भी हमारी मदद करेंगी, क्योंकि हम लोग जो है अगर निर्दोषी हैं, और हमारा ये कहना भी है कि अगर हमारा बच्चा अगर दोषी है तो बिल्कुल उसको सजा सुनाई जाए, मगर हमारा बच्चा अगर निर्दोषी है तो उसको भाई सम्मान के साथ हमारे बच्चे को हमारे घर पहुँचाया। और इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर।